जय भीम साथियों, अगर आप भारत की ऑस्ट्रेलिया पर क्रिकेट में जीत का जश्न मना रहे हैं तो इस तस्वीर को हमेशा याद रखिएगा। इस तस्वीर में हमने सर्कल किया है जिस खिलाड़ी को, वो है थंगराजू नटराजन। तमिलनाडु का ये गेंदबाज भारत के ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट दौरे की एक अनूठी सफलता की कहानी में से एक है। नटराजन ने टेस्ट मैच, एक दिवसीय और 2020 क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट्स में इस बड़ी श्रृंखला में अपना पहला मैच खेला। तमिल मीडिया और सोशल मीडिया पर इस शानदार खिलाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि इनका भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना ब्रेकिंग ब्राह्मणिकल हेजेमनी है, यानी क्रिकेट में ब्राह्मणवाद के ढांचे पर चोट है, ब्राह्मण सवर्णों के दबदबे को धक्का है, ब्राह्मणों के वर्चस्व में सेंध लगाई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेटर्स हों या तमिलनाडु से जो क्रिकेटर्स आते हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण या सवर्ण जातियों से आते हैं। नटराजन तमिलनाडु में वानियर जाति से आते हैं, जो कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास या ओबीसी मानी जाती है। एक साल पहले तक शायद हम में से किसी ने इनका नाम नहीं सुना था, पर आज सब जानते हैं, सब जश्न मना रहे हैं। तो जानते हैं इस बहुजन समाज से आए लड़के के संघर्ष और क्रिकेट की कहानी, कैसे नटराजन टॉप पर पहुंचकर टक्कर दे रहे हैं ब्राह्मणवाद को। 29 वर्षीय नटराजन तमिलनाडु के शहर सेलम से 36 किलोमीटर दूर एक गांव चिनप्पमपट्टी में बड़े हुए और वहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ। उनके पिता एक साड़ी निर्माण फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर थे, जबकि माँ सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान में नाश्ता बेचती थी। गरीबी में पले बड़े नटराजन ऐसे घर में जहाँ सोचना पड़ता था कि अगला भोजन कहाँ से आएगा, वो 5 संतानों में सबसे बड़े हैं। फिर भी वह हर बाधा को लांघ कर तमिलनाडु के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बने। इस साल की इंडियन प्रीमियर लीग में यॉर्कर बादशाह के नाम से कहलाए गए और आखिरकार भारतीय टीम में पहुंचे, वो भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्हीं के घर में शानदार प्रदर्शन किया। उनका क्रिकेट का सफर भी कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला है। 20 साल की उम्र तक नटराजन ने केवल टेनिस बॉल के साथ खेला, स्कूल या कॉलेज की टीम में भी वो नहीं खेले थे और एक बड़ा क्रिकेट मैदान भी उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। जबकि आम तौर पर शहर में उच्च जाति के खिलाड़ी 6-7 साल की उम्र में ही स्टेडियम में लेदर की बॉल से प्रशिक्षण लेते हुए खेलना शुरू कर देते हैं। जब 20 साल की उम्र में गांव में एक शुभचिंतक ए जयप्रकाश ने नटराजन को शहर जाने के लिए प्रोत्साहन दिया, तो वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई गए और वहां बड़ी एकेडमी में खेलने लग गए। फिर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने तमिलनाडु के लिए भारत के सबसे बड़े अंतर्राज्य प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी में 2015 में खेलना शुरू किया। उनके बॉलिंग एक्शन तक पर गंभीर सवाल उठे, इतने कि उन्हें 2014 में एक साल के लिए खेलने से निलंबित कर दिया गया। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत करके गेंदबाजी करने के तरीके को ठीक किया और पूरी ताकत से मैदान में वापस आए। घरेलू 2020 प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने से उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला। IPL में आने का भी एक किस्सा ऐसा है उनका कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नटराजन और उनके परिवार की किस्मत एक दिन में बदल गई जब किंग्स 11 पंजाब टीम ने 3 करोड़ रुपए की आय पर उनकी सेवाएं हासिल की। एक उभरते सितारे के लिए, जिसके पिता अभी भी एक साड़ी फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर के रूप में प्रति सप्ताह केवल 1500 रुपए कमा रहे थे, और माँ जो अभी भी अपने गांव की एक छोटी सी दुकान में चिकन बेचती थी, प्रतिदिन 300 रुपए कमाती थी, इतनी बड़ी रकम नटराजन के लिए किसी फिल्म या किताब की कहानी से कम नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर पर सबके ध्यान में नटराजन अभी कुछ ही महीने पहले 2020 में हुए IPL के दौरान आए। उनके बारे में किसी भी विशेषज्ञ ने बात तक नहीं की थी, पर जिस तरह से उन्होंने दुनिया के प्रख्यात धुरंधर बल्लेबाजों को यॉर्कर डालकर आउट किया, उससे उनकी ख्याति और बढ़ गई।
गौरतलब है कि वो पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए नहीं चुने गए थे, पर जब एक दूसरे गेंदबाज चोटिल हो गए तो उन्हें टीम में आने का मौका मिला। मेहनत करने से किस्मत ने भी उनका साथ दिया। अपने पहले ही एक दिवसीय मैच में उन्होंने 2 विकेट चटकाए। बाजी मारी 2020 सीरीज में, जहां उन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लिए और भारत को श्रृंखला तक जिताई। भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने तो ये तक कह दिया कि नटराजन को ही श्रृंखला के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिलना चाहिए था। जीतने के बाद नटराजन ने कहा कि पिछले कुछ महीने एक सपने की तरह थे। टीम इंडिया के साथ मेरा पहला मैच और हमने T20 सीरीज जीत ली। इस चैंपियन टीम के साथ ये सपना और भी शानदार बन गया है। मैं अपने साथियों को उनके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके प्यार और समर्थन के लिए सभी को धन्यवाद। और आखिर में टेस्ट मैचेस में भी कई सारे खिलाड़ी चोटिल हुए और किसी ने नहीं सोचा था कि नटराजन खेलेंगे। किस्मत ने फिर साथ दिया। अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। ऐसे ही खिलाड़ियों की वजह से आज की भारत की जीत बहुत खास है, लगभग अविश्वसनीय है। भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज से, छोटे शहरों से और गांव से ऐसे युवाओं का प्रतिनिधित्व ज़रूरी है टीम में। नटराजन बहुजन समाज के हर युवा के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो इस ब्राह्मणवादी समाज के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नट्टू, जैसे कि उन्हें लोग प्यार से बुलाते हैं, ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अदम्य साहस और चरित्र दिखाया है, इसलिए हम उन्हें सलाम करते हैं और आशा करते हैं वो अपने क्रिकेट करियर में और बुलंदियों तक आगे और पहुँचें। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये खास कहानी, ये बहुत ही प्रेरणादायक रोंगटे खड़े देने वाली कहानी को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही खास खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए, कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शूद्र मीडिया वहाँ भी काफ़ी सक्रिय रहता है। जय भीम।